नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और सबसे पहले आप पूरे देशवासियों को फास्ट न्यूज इंडिया की टीम की तरफ से ढेर सारी नौ वर्ष की शुभकामनाएं और नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। कंधे से कंधा मिलाकर चलने को कहा। जी हां, उन्नाव थाना 12 संगवर के विधानसभा भागवत नगर के ग्राम गुबराहा में आज फिर सुनील साजन MLC और धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष पीड़ित जनता से मिले और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को कहा। आइए देखते हैं उन्नाव से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कि जिले के सारे थाने, DM आवास, तहसीलदार का आवास, SDM का आवास, हम लोग ये जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं इनको सबको इकट्ठा करके इन्हीं के आवासों पर जमा करेंगे। अगर उसके बावजूद सरकार नहीं मानी तो सारे जानवर इकट्ठा करके सबसे पहली बार उन्नाव से सारे समाजवादी पार्टी के लोग सभी जानवरों को ले जा करके योगी जी के 5KD में ले जाएंगे। वो बहुत सेवा करने को उनको शौक है। अरे केवल बहाना करते हैं, उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं चारा पानी, DM गलत रिपोर्ट दे दे, अधिकारी गलत रिपोर्ट दे दे कि सारे गौशाला चल रहे हैं। आप बताइए गौशाला में ज़्यादा जानवर हैं कि खेतों में ज़्यादा जानवर हैं? अगर खेतों में हैं तो हम आप तो अपनी खेती बचाएंगे ना, किसान क्या करेगा भाई? किसान के पास तो कोई मंदिर भी नहीं कि जाकर के घंटा बजा ले योगी जी की तरह कि वहीं से प्रसाद मिल जाएगा। तो किसान तो अपनी खेती बचाएगा। अब सरकार को अगर लगता है कि उत्पीड़न से किसानों का उत्पीड़न कर सकते हैं तो किसानों से पहले उनको समाजवादियों से लड़ना पड़ेगा। वो थानेदार हो, DM हो या कप्तान हो, पहले वो समाजवादियों से लड़ेगा फिर किसान से लड़ेगा। में समाजवादी पार्टी की एक टीम बनाई जाएगी, उस टीम में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग उस टीम के प्रभारी होंगे और हम समाजवादी लोग उन्नाव जनपद में दी गई जो गौशाला के नाम पर लूट है उसकी जांच समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे, उनकी टीम करेगी और हम देखेंगे कि एक इतनी बड़ी 2 बीघे की जगह में 4 गाय रख के 40 का चारा चोरी करने का जो काम करेगी इसको भी उजागर। सर जी, इस टीम का गठन लगभग घोटाला में जाए, सर जी इस टीम का चुनाव लगभग कब तक हो? इस टीम का गठन करके हम लोग मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आपको डेट देंगे, टीम के लोगों का नाम बताएंगे, आपको पूरा सर्कुलेट होगा, उनके टेलीफोन नंबर होंगे, वो जिस जगह पर जाएंगे मीडिया के लोगों को सूचित करेंगे कि आज हम इस गांव 10 गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग ब्लॉक वाइज के बाद तहसील के स्तर पर सब टीमें बनाएंगे और टीम इस तरह की टीम होगी जो वास्तव में गौशालाओं को परीक्षण करके आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी की लड़ाई में सबसे मजबूती से आपने उन्नाव में मीडिया के साथियों ने, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे हसनगंज का मामला हो, चाहे कल का मामला हो, उन्नाव जनपद की मीडिया का हम पूरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यहाँ आकर आप लोगों का धन्यवाद दिया था मीडिया के लोगों। भाई अपने अपने खेत बचाओ, एक आधार कार्ड के लिए 1,000 रुपया लगता है, बीघापुर 3 बच्चों को लेके जाओ, वहाँ पर कहेंगे ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, फिर लौट के चले आओ। 2,000 रुपया आया गांव में, 100 घर में 10 घरों को दिया और 90 घरों को नहीं दिया। दूसरी चीज, तीसरी बात में आ जाइए आप, इनकी अत्याचारी जगह जगह में हो रही है, जहाँ देखो दुष्कर्म पैदा हो रहे हैं, जहाँ देखो जो अत्याचार हो रहा है उसका कोई फैसला नहीं, किसान का गल्ला माटी बराबर बिक रहा है और ये खाद पांच के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली लोकल का 16 आना लोकल, खाली सुहागरात हो रही है और बच्चा नहीं पेट में, ये आप समझिए। आज हम लोग पीड़ित हैं, क्यों हम लोगों का विकास नहीं होता, चाठे नतनी ब्याह है कि एकदम चलो 5 बीघा क्या बेचो, सब आधी जमीन पर ही बताओ, नहर अबावा है जब कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा ख्यात बावक है अब हैं भरे जा रहे हैं, तुम चो करो न पाई हो जहनो नहीं, तो ये इनकी एक रवैया है। हम सब लोग समाजवादी मिल करके एक बार इनको ये दिखाएं कि तुम्हारी औकात में तुम आ जाओ, औकात हमारी नागरिकता की है और इनकी नहीं है, ये जो उल्टा सीधा जौन बयान देखो तो उन्हें कानून बनाए कि प्रस्ताव पास कर दे मरो सारे चाहे जियो, ये हाल है। तो आपसे प्रार्थना है सबसे कि हम सब लोगों को बचाने के लिए धर्मेंद्र जी हमारी लोगों की मदद करें और हम सब लोग धर्मेंद्र जी के साथ हैं और सदैव सदैव के लिए साथ रहेंगे, हम लोगों को सदैव सुविधा सपा सरकार ने दिया है, दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। पूरी मदद करेंगे, एक एक बच्चा बच्चा दिमाग में, और ये लड़ाई ऐसे छोड़ेंगे नहीं, लालच देके लोभ दे करके, जैसे लोभ दे करके कहीं बुलबुल फंसाते हैं लोग, उसी तरह बुलबुल फंसा रहा है।
आप समझिए योगी योगी ये किसान किसान की अंतरात्मा की आवाज है तो ये चीज है तो ये सब लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए कि हमारे लोगों का इनकी अंतरात्मा की आवाज है पूरे प्रदेश के किसानों की आवाज है एक एक किसान के माध्यम से मटर बाबा वहाँ चली गए लहिला बाबा वो सब खा के दोनों जगह पहले ही साग बनाएंगे। नाम मेरा है सुमनाम तो विद्यालय का नाम रामवरण सिंह था गाँव का नाम सुख 10 किलोमीटर में भोला सिंह को आदमी जानता है नियत और नियम से चले हैं और सबको गरीबों की मदद किया है और अच्छे नेताओं के साथ रहे हैं और उनके साथ रहने की कामना करता हूँ। जैसा कि मैंने MLC सुनील सिंह साजन जी से बात की और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी से बात की और उन्होंने जनता के विषय में बताया और आश्वासन दिया कि कुछ दिन बाद मैं एक सपा की टीम गठित कर इस जो पीड़ित जनता है इसकी मदद करने के लिए बहुत जल्द एक टीम गठित करके उनको न्याय दिलाने के लिए आ जाएंगे और ये भी आश्वासन दिलाए कि सपा सरकार पूरी सहायता करेगी। इस चीज़ के साथ मैं अमित कुमार कैमरामैन ओम प्रकाश शाह। हड्डा रोड़ी की मांग की। जी हाँ, जिला फजिलका के गांव बलुआना के निवासियों ने सरकार से गांव में हड्डा रोड़ी की मांग की और आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से निजात पाने के लिए मांग की है। पंजाब के फजिलका से हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। असि सारे पिंड बलुआने के वासी हैं जी। साढ़े पिंड जो कि बहुत सारिया समस्यावान आ रही जिमें कि आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इतने पिंड जो भी सारे जिमीदार भरा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दिन प्रतिदिन हर रोज़ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऑन रोड के उपर पिंड बहुत सारे पशु फिरते हैं, एक्सीडेंट के होने के कारण आवारा पशु भी मर रहे हैं और बहुत सारिया वीर जाना भी जा रही हैं। तो आवारा पशु मरण के नाल रोड के उपर ही पे रेंदे हैं, ना कि उन्होंने कोई भी चक्कन का प्रबंध है नहीं गा, ना ही पिंड हड्डा रोड़ी है। बहुत ज़्यादा समस्यावान सानू सादी सारिया की यही सरकार अगर अपील है कि पिंड हड्डा रोड़ी बनाई जाए और जो कि है आवारा पशु है उन्हों का जो भी है प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जी हाँ, आजमगढ़ के थाना देवगांव में होमगार्ड लोगों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष देवगांव, होमगार्ड कमांडो सुरेश राय, राम प्रसाद वर्मा, राकेश सिंह, परवेज सिपाही आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। यहाँ विदाई समारोह किया जा रहा है, तो बताइए सीधे विदाई समारोह आपका हो रहा है, इसके बारे में बताएं। आज इस तरह का विदाई समारोह तो बहुत पहले से होमगार्ड लोग रिटायर होते थे नहीं थे, उस जैसा आज हुआ है आज तक नहीं हुआ। इससे हम बहुत और सब लोग भी प्रसन्न है कि एक होमगार्ड का इस तरह का विदाई समारोह मनाया गया साहब के अगुवाई में और भाई अशोक राज जी और शंकर यादव ने अथक परिश्रम करके और इस विदाई समारोह को कराया है। हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं और भाई जो हमसे 45 साल के बीच में आप लोग जय बाबा मंदिर में यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी हाँ, आजमगढ़ के रुद्रपुर में जय बाबा मंदिर में यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि हम बजरंग नगर से दर्शन करने के लिए आते हैं। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। बोला तो हैं दीप सब तो भजन करिए तब ना हुई भजन करा था इनसे पूछो। हेलो भैया, हेलो, क्या नाम है भाई आपका, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संतोष भैया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप कोई मन्नत माने थे आए थे? हाँ जी, हम लोग दर्शन करने के लिए हफ्ता में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं जी? मैं आया हूँ बजरंगनगर से। बजरंगनगर से, अच्छा अच्छा।
चलिए धन्यवाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई विदाई समारोह का सभा, जी हां, तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिकंदरपुर में आयोजित की गई विदाई समारोह सभा, जिसमें सेना निवृत्त एवं पोथी राज राम को बैंक स्टाफ द्वारा अंग वस्त्र समर्पित स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण कर भाव विभोर हाथों से विदा किया गया। शाखा प्रबंधक पवन कुमार शाही के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में सैकड़ों बेस्ट खाता धारक भी मौजूद रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद से बात करते शाखा प्रबंधक पवन कुमार शाही। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं पवन कुमार शाही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक सिकंदरपुर का। सर अभी आपके शाखा में एक विदाई समारोह रखा गया जिसमें पोथीराज जी की विदाई समारोह रखी गई। कुछ दिनों से वो आपके साथ कार्य कर रहे थे, तो उनके और आपके बीच कार्य का क्या अनुभव रहा, किस तरह से आप लोगों ने? हमारे और पोथीराज जी, मैं यहाँ पर जुलाई 2019 से कार्यरत हूँ। बहुत ही छोटा समय मिला पर पोथीराज जी के साथ काम करने का, लेकिन ये अनुभव बहुत ही गौरवपूर्ण था। पोथीराज जी ने अपने 28 साल की सर्विस के बाद आज सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हाँ सर, चूँकि आज रिटायरमेंट के बाद आपके लिए एक विदाई समारोह रखा गया बैंक में, तो यहाँ से जाने के बाद जो सेवा आप बैंक के माध्यम से लोगों को, एक समाज सेवा ही कहा जाएगा, कार्य करते रहे, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं, किस तरह का कार्य करेंगे, कैसा समाज सेवा करेंगे या बाकी का जीवन कैसे बिताएंगे? सर अब यहाँ से घर गेला के बाद अपन जीवन बिताएंगे, बैंक में आते जाते रहेंगे। अभी हम सेवा करेंगे साहब लोग के, जब तक लश्कर रहेगा तब तक। मतलब आप बैंक आते जाते रहेंगे, अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप अभी हाँ, भी बैंक का सहयोग करने के लिए हाँ, हाँ, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। यथाभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार, तब तक आप लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।